एसडीएम ने पहना सूट, ओढ़नी का बनाया घूंघट और खोल डाला यूपी का सबसे बड़ा रहस्य। कौन है घूंघट वाली एसडीएम कृतिराज? फिरोजाबाद से लखनऊ तक हो रही जिनकी चर्चा। घूंघट ओढ़कर ऐसा क्या किया कि अखिलेश ने दी बचकर रहने की नसीहत? सुनिए पूरी कहानी। इस एक तस्वीर ने समूचे यूपी के प्रशासनिक महकमे में हलचल मचा रखी है। जो भी घूंघट वाली महिला को देख रहा है उन्हें प्यार से कुर्सी पर बिठा रहा है और मिनटों में उनका काम निपटा दे रहा है, क्योंकि एक घूंघट वाली अधिकारी ने वो किया है जिससे सुनकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी अधिकारियों पर बिलबिला जाएंगे। और अखिलेश यादव ने तो इस महिला अधिकारी को बचकर रहने की नसीहत दे दी है। तो सवाल है कि बचना किससे है, तो इसका जवाब दें उससे पहले इस तस्वीर की हकीकत जान लीजिए। ये तस्वीर यूपी के फिरोजाबाद जिले की है। घूंघट में देख रही ये महिला कोई और नहीं बल्कि 2021 बैच की आईएएस ऑफिसर एसडीएम कृतिराज हैं, जो यूपी के झांसी की रहने वाली हैं। कंप्यूटर साइंस में बीटेक किया है और अब एसडीएम के पद पर पहुंचकर सिस्टम को ठीक करने का काम कर रही हैं। इन्हें एक दिन शिकायत मिली कि डॉक्टर मरीजों का ठीक से इलाज नहीं कर रहे हैं। दीदामई सरकारी अस्पताल में लापरवाही हो रही है, जिसके बाद सारा तामझाम छोड़कर अकेले ही घूंघट किए वो अस्पताल जा पहुंची ताकि कोई पहचान न पाए। पहले ब्रजेश पाठक के स्टाइल में पर्चा कटवाया, फिर डॉक्टर की रजिस्टर चेक की तो कई डॉक्टर गायब मिले, कईयों के साइन थे लेकिन वहां पर मौजूद नहीं थे। मतलब अस्पताल में बड़ा फर्जीवाड़ा चल रहा था। शौचालय से लेकर बेडशीट और अस्पताल परिसर तक में गंदगी ही गंदगी थी। उसके बाद उन्होंने दवाइयों का स्टॉक देखा तो एक्सपायरी डेट की दवाइयां रखी थी, जिसका वीडियो आप देख सकते हैं। ये तस्वीर जैसे ही मीडिया में सामने आई तो कई लोग इनकी दिलेरी की तारीफ करने लगे, तो कईयों ने ये सवाल उठाना शुरू कर दिया कि आखिर छापामार मंत्री ब्रजेश पाठक अस्पतालों में जाकर क्या चेक करते थे जो फिरोजाबाद अस्पताल में इस तरह की कमियां मिली हैं। अखिलेश ने तो ट्वीट कर ये तक लिख दिया कि सुना है इस खुलासे के बाद स्वास्थ्य मंत्री जी अस्वस्थ अवस्था में हैं। स्वयं घूंघट में जाकर उत्तर प्रदेश की चिकित्सा व्यवस्था पर पड़ा बड़ा पर्दा उठाकर सच्चाई दिखाने वाली महिला अधिकारी को संभल कर रहना होगा, कहीं बीजेपी सरकार इन्हें ज्ञानवर्धन के बहाने विदेश न भेज दे। हो सकता है कि योगी सरकार इन्हें सम्मानित भी करे और खुद ब्रजेश पाठक फोन कर इनसे अपडेट लें, पर सवाल ये है कि क्या मंत्री जी के छापे का डर अभी सरकारी अस्पताल के कर्मचारियों में नहीं रह गया है? लोग कई अस्पतालों में सुबह से लाइन में लगकर इंतजार करते हैं पर डॉक्टर अपनी कुर्सी से नदारत रहते हैं। हालत ये होती है कि कई बार मरीज को समय पर इलाज नहीं मिल पाता। महिला एसडीएम ने जो काम किया है वो अगर हर जिले के अधिकारी करने लगे तो शायद इस तरह की समस्या भी न हो। कई लोग तो अभी से ये कहने लगे हैं कि ऐसे अधिकारियों का तो हाथों हाथ प्रमोशन होना चाहिए ताकि सबको सही समय पर इलाज मिल सके। इनकी रिपोर्ट पर सरकार क्या कार्रवाई करती है, कितने डॉक्टर हटाए जाते हैं और कितनों की फाइल खुलती है, ये देखने वाली बात होगी। अगर आपके जिले में भी ऐसी समस्या है तो फोटो के साथ पूरी बात कमेंट कर बता सकते हैं या सीधा अपने प्रदेश के मंत्री को टैग कर ट्विटर पर भी शिकायत कर सकते हैं। जब तक आप जागरूक नहीं होंगे आपके इलाज के लिए अधिकारी जागरूक नहीं होंगे, व्यवस्था नहीं बदलेगी, सत्ता बदलती रहेगी, नेता सियासत करते रहेंगे। पर अच्छी सुविधा अगर आपको लेनी है तो ऐसी कहानियों को उन लोगों तक जरूर पहुंचाना होगा जो इन समस्याओं को रोजाना झेल रही हैं। पैसे न होने पर सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए जाते हैं पर भीड़ देखकर मन महसूस कर लौट आते हैं। न बच्चों को दवा दिलवा पाते हैं, न बीवी की जांच करवा पाते हैं, जबकि सरकार गरीबों के इलाज के लिए हर महीने सरकारी अस्पताल पर लाखों करोड़ों खर्च करती है। ऐसे लापरवाहों की पोल खोलने वाली इन अधिकारी साहिबा से आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट कर बताएं।